एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आप टेंस का सैकेंड टाइप आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला कर चुके हैं। प्रेजेंट टेंस की दूसरी टाइप आज आप करांगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो जेकर पहले वाली वीडियो तुसी नहीं देखी तो वह देख लेना। तो वो आप अपना अज का लैक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अपना अज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखो जिथे भी कंटीन्यू है कि जिथे भी थानू कंटीन्यूस वर्ड आएगा उसका मीनिंग है वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल आप की यूज़ करांगे आई एन जी। हमेशा ही जिथे भी थानू कंटीन्यूस वर्ड दिखाई देता है उत्थे आप वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल आई एन जी यूज़ करते हैं। तो कंटीन्यूस का मीनिंग है कि काम अजे चल रहा है। तो आपू मैं थोड़ा पहले ही दसिया कि पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी आएगी या आपां नूं इंग्लिश टू पंजाबी ट्रांसलेशन करनी आएगी। तो आपां ओ रूल देखते हाँ कि आपां नूं किवें पता चलेगा। पहला आपां रूल कीता सी सिंपल प्रेजेंट दा, उंदी पहचान की सी कि वाक दे अंत विच दा है, दी है, दे हन आदि लग्या होया है। इस दी पहचान की है कि पंजाबी दे वाक दे अंत दे विच तुहानूं रहा है, रही है, रहे हन, रही हैं। देखो काम चल रहा है, कंटीन्यूज़ है, तो इसलिए काम चल रहा है। तो पंजाबी दे वाक दे अंत विच तुहानू ए वाले शब्द देखने को मिलेंगे जिवें कि रहा है, रही है, रहे हन, रही हैं। जो आपू वाले शब्द देखने को मिलते हैं तो आपू इंग्लिश विच ट्रांसलेट करना है। तो आप इस रूल नू यूज़ करते हैं जो सिंपल सेंटेंस अगर है अपने कोल तो ये वाला रूल यूज़ किया जाता है। मेन रूल है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। सबजैक्ट हैल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज एम आर। वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल आई एन जी प्लस की दिता हुआ अपने कोल ऑब्जेक्ट। इस विच तीन हैल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं आप जो कि है इज एम आर। जेकर तुहाडे कोल सबजैक्ट एक वचन है ही शी इट तो फिर आप यूज़ करते हैं इज़ नूं। जेकर तुहाडे कोल सबजैक्ट प्लूरल है बहुवचन दिता हुआ एक तो ज़्यादा की गल हो रही है तो फिर आप हैल्पिंग वर्ब यूज़ करांगे आर। जेकर तुहाडे कोल सबजैक्ट आई है तो फिर आप हैल्पिंग वर्ब यूज़ करांगे एम। आओ एग्जाम्पल देखते हैं जिमें कि फस्ट एग्जाम्पल है ओ गीत गा रही है। देखो लड़की की गल हो रही है, गर्ल की गल हो रही है, ओ गीत गा रही है। तो आप हुने करके हटे हाँ कि पंजाबी दे वाक दे अंत विच की आपां नूं दिखाई देगा रहा है, रही है, रहे हन, रहियां हन। तो इत्थे अपने कोल की दिता होया है रही है। इतों आपू पहचान पता चल गई कि जेकर आप चेंज करना है तो आपू कि वाला रूल यूज़ करना पेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो वो लड़की की गल हो रही है तो इसलिए ओ तो आप लड़की लिए जो सबजैक्ट यूज़ करते हैं अपने को प्रोनाउन दिता हुआ है शी इज़ सिंगिंग अ सोंग। एक वचन है, एक लड़की की गल हो रही है तो इसलिए हैल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ की है। सिंग वर्ब दिती हुई है तो उस दे नाल आपां की यूज़ करना है आई एन जी। आओ दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं ओ गीत गा रहे हन। देखो रहे हन एक तो ज़्यादा की गल हो रही है, आपां नूं पहचान जो मैं तुहानूं दसी सी उही आ रही है। एक तो ज़्यादा की गल हो रही है तो आपां उन्हें नूं चेंज करते हैं दे। देखो इत्थे जो सबजैक्ट दिता हुआ है प्लूरल है तो इसलिए सबजैक्ट अपने कोल प्लूरल है तो हैल्पिंग वर्ब की यूज़ की हुई है आर। दे आर सिंगिंग अ सोंग। यह तो सी सिंपल सेंटेंस। देखो इसका रूल बहुत ईजी है। मेन रूल तुहाडे कोल की दिता हुआ है सबजैक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल आई एन जी प्लस की दिता हुआ है ऑब्जेक्ट। बस हूँ अगे अपने कोल की दिता हुआ है नैगेटिव सेंटेंस। नांवाचक बनाना है तो नांवाचक का मीनिंग की है अपने कोल हैल्पिंग वर्ब के नाल नोट यूज़ करना। जो भी हैल्पिंग वर्ब है आप उस नाल नोट लगा देवे तो सामने ही है सबजैक्ट प्लस इज नोट एम नोट आर नोट प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल आई एन जी तो प्लस अपने कोल की दिता हुआ है ऑब्जेक्ट। जिमें कि एग्जाम्पल देखते हैं वह अपना काम नहीं कर रहा है। देखो पहचान आइडेंटिटी अपने कोल ही रहेगी सेम, वो अपना काम नहीं कर रहा है। तो एक लड़के की गल हो रही है तो इसलिए ही एक है सिंगुलर है तो हैल्पिंग वर्ब की यूज़ करांगे आप इज़। ही इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क। देखो नैगेटिव सी तो इसलिए की आप हैल्पिंग वर्ब यूज़ की है
इज़ नॉट। आओ लास्ट टाइप देखते हैं इसकी, इंटैरोगेटिव प्रश्नवाचक। देखो एक गल ध्यान देने वाली है कि जदों भी आपां कितें भी नैगेटिव बनाने लई बोलते हैं तो जेकर हैल्पिंग वर्ब पहला तो गिवन है तो सिर्फ उस दे नाल आपां की यूज़ करते हैं नॉट, तो तुहाडा सेंटेंस नांवाचक बन जाता है, नैगेटिव बन जाता है। तो जेकर आपां इंटैरोगेटिव बनाउणा है तो हैल्पिंग वर्ब नू सबजैक्ट तो पहला यूज़ किया जाता है। ये तुहाडे कोल सबजैक्ट दिता होया है, सबजैक्ट तो पहला स्टार्टिंग दे विच आपां हैल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो लास्ट विच की यूज़ किया जाता है साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो इसका रूल है हैल्पिंग वर्ब पहला आएगी इज़ एम आर प्लस सबजैक्ट प्लस वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल आई एन जी प्लस की दिता हुआ अपने कोल ऑब्जैक्ट। आओ इस दी एग्जाम्पल देखते हैं कि ओ आ रहे हैं। देखो प्रश्न पुट किया है कि ओ आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन मार्क आएगा कि ओ आ रहे हैं, आ रहे हैं ज़्यादा की गल हो रही है ना, इतों आपको पता चल रहा है कि एक तो वध परसन की गल हो रही है तो इसलिए आप हैल्पिंग वर्ब की यूज़ करा आर ना अपने को सबजैक्ट दिता है वह ज़्यादा हैं तो इसलिए दे कमिंग आर दे कमिंग। थैंक यू, आई होप तुहानू वीडियो पसंद आई होगी, वो तो वह अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करो, जो फस्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो।